हेलो ट्रेनिंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग कटिंग टूल के अंतर्गत हेक्सा के बारे में पढ़ेंगे। हेक्सा का जो है उपयोग फीटर शॉप में हम कैसे करते हैं, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, उसके भाग क्या क्या होते हैं, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका परिचय, हेक्सा का परिचय क्या है। हेक्सा एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसकी सहायता से वर्कशॉप के अंदर धातुओं को काट करके अलग किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा जो हम संक्रिया करते हैं, जो ऑपरेशन संपन्न करते हैं, उसको हम कहते हैं हेक्सा। यानी हेक्सा के द्वारा जो हम ऑपरेशन करते हैं, जो कटिंग करते हैं, उसको कहते हैं हेक्सा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हेक्सा जो होता है, हेक्सा का हमने एक स्केल बना रखा है यहां पर। हेक्सा में देखते हैं, हेक्सा के जो मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक हेक्सा फ्रेम होता है और दूसरा हेक्सा ब्लेड होता है। हेक्सा फ्रेम के जो पार्ट होते हैं, इसके भाग होते हैं, इसके बनावट हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हैंडल दिखाई देगा जो कि लकड़ी का बना होता है। दूसरा होता है फ्रेम, जो कि स्टील की एक पत्ती होती है, चपटी, उसको मोड़ करके बनाया गया होता है हेक्सा फ्रेम। हैंडल के दूसरे से में देखेंगे तो यहां पर ब्लेड होल्डर लगा होता है, एक्सटेंशन रॉड लगा होता है और एक्सटेंशन रॉड में ही विंग नट या फ्लाई नट लगा होता है, जिससे हम ब्लेड को टाइट करते हैं। और जो ब्लेड होल्डर है उसके हैंडल के तरफ भी एक तरह का ब्लेड होल्डर लगा होता है और उस ब्लेड होल्डर में दोनों तरफ दो रिटेनिंग पीने लगी होती है, जिसमें हम ब्लेड को फंसा करके इसको हम विंग नट की सहायता से या फायर की सहायता से इसको हम टाइट करते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से यह फ्रेम के भाग होते हैं, हैंडल, फ्रेम, ब्लेड होल्डर, विंग या फ्लाई नट, एक्सटेंशन रॉड और रिटेनिंग पिन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स, यानी इसके प्रकार, कितने प्रकार के हेक्सा फ्रेम पाए जाते हैं। तो इंडस्ट्री में मुख्य रूप से तीन तरह के हेक्सा फ्रेम पाए जाते हैं। पहला तो होता है फिक्स टाइप हेक्सा फ्रेम, फिक्स टाइप हेक्सा फ्रेम यहां देखेंगे स्लाइड में। तो फिक्स टाइप हेक्सा फ्रेम में क्या होता है, एक तरफ हैंडल होता है और जो फ्रेम होता है यह स्टील का बना होता है, स्टील की पत्ती का मोड़ में बना होता है, या अन्य टाइप के हेक्सा फ्रेम से यह मजबूत होता है। इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। दूसरा होता है एडजस्टेबल टाइप। एडजस्टेबल टाइप में क्या होता है, उसमें अलग से एक सीथ लगी होती है, सीथ, ये जो पोर्शन ऊपर से दिख रहा है एडजस्ट करने वाला, उसको कहते हैं शीट। शीट में क्या होता है कि इस एडजस्टेबल टाइप हेक्सा फ्रेम में हम कई माप के ब्लेडों को हम बांध सकते हैं, इसलिए इसको हम एडजस्टेबल टाइप हेक्सा फ्रेम कहते हैं। तीसरा होता है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें जो ये जो फ्रेम वाला पोर्शन होता है उसकी लंबाई ज्यादा होती है, ज्यादा लंबाई, ये जो होता है लंबाई में ज्यादा होती है, जिससे इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा गहराई में हमको हेक्सा करना है, बहुत गहराई में हमको कटिंग करना है जाकर के, तो उस तरह के डीप फ्रेम टाइप हेक्सा फ्रेम का प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरह से तीन टाइप हो जाते हैं फ्रेम के। अब हम पढ़ेंगे ब्लेड, जो ब्लेड लगा होता है इसमें, ब्लेड, तो
यहाँ जो ब्लेड होता क्या है, क्योंकि जो हेक्सा ब्लेड होता है वह मुख्यतः हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं और बना करके इनके दांतों को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है, जिससे इसके अंदर काटने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जो ब्लेड होता है, जैसा कि हमने बताया आपको कि जो इसका जो मटेरियल होता है धातु, वह हाई कार्बन स्टील अथवा हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। जो ब्लेड होता है वो कई प्रकार का होता है। इसका वर्गीकरण किया गया है तो इसका जो वर्गीकरण हम जो करते हैं लगभग 5 प्रकार से हम इसका वर्गीकरण करते हैं। पहला जो वर्गीकरण है अकॉर्डिंग टू लेंथ, यानी लंबाई के अनुसार ब्लेड कितने प्रकार के होते हैं। तो लंबाई के अनुसार ब्लेड जो होता है चूंकि 250 से लेकर के 300 मीटर तक का होता है। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि लंबाई क्या हो, कहां से कहां तक ली जाती है। तो किसी भी ब्लेड की जो लंबाई होती है एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन होल के सेंटर तक की दूरी को हम उस हेक्सा ब्लेड की लंबाई कहते हैं, ठीक है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू विड्थ, यानी चौड़ाई के अनुसार कितने प्रकार के हेक्सा ब्लेड होते हैं। तो चौड़ाई के अनुसार 13 mm से लेकर के 16 mm तक के चौड़ाई के ब्लेड पाए जाते हैं, 13 mm और 16 mm, ठीक है। उसके बाद तीसरा है अकॉर्डिंग टू ग्रेड, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉइंट। ग्रेड क्या है? तो ग्रेड का मतलब होता है कि प्रति इंच में दांतों की संख्या को हम ग्रेड से जानते हैं। ये जो इसमें सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है कोर्स ग्रेड का। कोर्स ग्रेड का जो ब्लेड होता है उसमें प्रति इंच में दांतों की जो संख्या होती है वह 14 होती है, ठीक है, 14 होती है। और इसके जो एक दांतों से दूसरे दांत के बीच की जो दूरी होती है जिसे हम पिच कहते हैं वह 1.8 होती है, 1.8 होती है, ठीक है। और इसका जो प्रयोग होता है, ठीक है, कोर्स ग्रेन के ब्रेड का प्रयोग होता है वहां पर क्या है, जहां पर साफ धातुएं हो जैसे एल्यूमिनियम हो, हैं, कॉपर हो, ब्रास हो, उसको काटने के लिए हैं हम जो है कोर्स ग्रेन के ब्रेड का प्रयोग करते हैं। दूसरा है मीडियम ग्रेड का जो ब्लेड किसे कहते हैं, मीडियम ग्रेड का जो ब्लेड होता है उसमें प्रति इंच में दांतों की जो संख्या होती है वो होती है 18 और उसका जो पिच होता है वह 1.4 mm होता है। इसका जो प्रयोग होता है मीडियम ग्रेड के ब्लेड का जो प्रयोग होता है हम वहां करते हैं जहां पर साधारण काम करना हो, जैसे कि माइल्ड स्टील को काटना हो, कास्ट आयरन को काटना हो, ऐसे जगहों पर हम मीडियम ग्रेड के ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तीसरा है फाइन ग्रेड का जो ब्लेड होता है उसका जो प्रति इंच में दांतों की जो संख्या होती है वह होती है 24, ठीक है, 24 होती है। और इसका जो पिच होता है 1 mm, ठीक है, 1 mm इसका पिच, यानी एक दांते से दूसरे दांते के बीच की जो दूरी होती है वह 1 mm होता है। इसका प्रयोग जो होता है मीडियम कार्बन स्टील जो होते हैं, मीडियम कार्बन स्टील को काटने के लिए इसका पौधा प्रयोग किया जाता है। और चौथा है वेरी फाइन ग्रेड। तो जो वेरी फाइन ग्रेड होता है उस तरह के ब्लेड का जो प्रयोग है हम चूंकि इसका जो प्रति इंच में दांतों की जो संख्या होती है वो 32 होती है और जो इसका जो पिच होता है वो 0.8 mm होता है, 0.8 mm होता है,
इसका जो प्रयोग होता है वेरीफाइंग पिच के पिच वाले वेरीफाइंग ग्रेड वाले ब्लेड का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर बहुत ही सख्त धातु है, जैसे हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, कास्ट स्टील, और जहां पर हमको पाइप काटना हो या बहुत ही कम गेज के सीटों को काटना हो वहां पर वेरी फाइन ग्रेड के बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू हार्डनिंग, यानी हार्डनिंग के अनुसार ब्रेड कितने प्रकार के होते हैं। हार्डनिंग के अनुसार तो हार्डनिंग होता क्या है, ब्रेड की जो हार्डनिंग होती है इसमें क्या होता है कि इसको दांतों को हार्ड और टेंपर कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से धातु को काट सके, इस गुण को कहते हैं हार्डनिंग। तो हार्डनिंग के अनुसार जो ब्रेड होता है मुख्यतः दो से तीन प्रकार का होता है। जो पहला जो टाइप होता है हार्डनिंग के अनुसार वह होता है फ्लेक्सिबल हार्ड ब्लेड जो होता है उसमें होता क्या है, दांतों का जो भाग होता है दांतों को हार्ड और टेंपर कर दिया जाता है, लेकिन बाकी जो उसके भाग है ऊपरी उसको और पिन होल को छोड़ उसको साफ रखा जाता है, उसको हार्ड नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल हार्ड। इसमें इससे काटने की क्षमता थोड़ी कम होती है और यह फ्लेक्सिबल हार्ड होने की वजह से इसमें झटका बर्दाश्त करने की शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए इसका प्रयोग जो होता है ट्रेनिंग के कार्य में किया जाता है। फ्लेक्सिबल हार्ड ब्लेड का प्रयोग ट्रेनिंग के कार्य में किया जाता है। दूसरा होता है आल हार्ड ब्लेड। आल हार्ड ब्लेड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पिन होल को छोड़ करके दोनों जो पिन होल को छोड़ करके बाकी दांतों सहित पूरे बॉडी को हम हार्ड और टेंपर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि यह थोड़ा सा झटका लगने पर यह टूट जाता है। लेकिन इसके अंदर एक खासियत यह है कि इसमें कटिंग करने की क्षमता बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबल हार्ड की अपेक्षा आल हार्ड ब्लेड की जो कटिंग करने की क्षमता है वह ज्यादा होती है, इसलिए इसका प्रयोग जो होता है जो दक्ष या कुशल कारीगर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है स्प्रिंग बैक हार्ड ब्लेड। स्प्रिंग हेड हार्ड ब्लेड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें दांतों के भागों को हार्ड और टेंपर कर देते हैं, पिन होलों को साफ रखते हैं, बाकी जो इसके जो भाग है उसको स्प्रिंग हार्ड कर देते हैं ताकि उसके अंदर जो है झटका बर्दाश्त करने की क्षमता हो, झटका लगे तो भी न टूटे और कटिंग क्षमता उसकी अच्छी। इस तरह से कार्य को हार्डनिंग के अनुसार इस तरह से हमारे ब्लेड हो जाते हैं। उसके बाद से कार्य टू टीथ सेटिंग क्या है, हम हेक्सा ब्लेड को हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि हेक्सा ब्लेड के जो दांते हैं कुछ दाएं कुछ बाएं मुड़े हुए हैं। हेक्सा ब्लेड के दांतों के इस बनावट को हम टिच सेटिंग करते हैं। टिच सेटिंग करते हैं तो इसके अनुसार जो होता है तो सबसे पहला प्रकार होता है सिंगल अल्टरनेट सेटिंग वाला जो ब्लेड होता है उसमें दांतों का बनावट कैसा होता है, तो एक दांता दाहिने दाएं, एक दांता बाएं और एक सीधा, फिर एक दाहिने एक बाएं एक सीधा, एक दाएं एक बाएं एक सीधा, इस तरह के बनावट को इस तरह के दांतों की सेटिंग को सिंगल अल्टरनेट सेटिंग कहते हैं। दूसरा है डबल अल्टरनेट सेटिंग। इसमें क्या होता है, दांतों का बनावट कैसा होता है, तो इसमें एक दांता दाएं एक बाएं फिर एक दाएं फिर एक बाएं और एक सीधा होता है, यानी पांचवा जो होता है दांता सीधा होता है, फिर एक दाएं फिर एक बाएं
फिर दाएं फिर बाएं सीधा, यानी हर पांचवा जो जो दांता होता है वो सीधा होता है, उसको कहते हैं डबल अल्टरनेट सिटिंग। ठीक है, उसके बाद होता है जिग जैग सेटिंग। जिग जैग सेटिंग क्या होता है, तो दांतों का जो बनावट होता है, एक दांता दाएं एक बाएं फिर एक दाएं फिर एक बाएं फिर एक दाएं फिर एक बाएं, इसमें कोई भी दांता जो होता है दांते जो होते हैं सीधे नहीं होते। क्लियर, जिग जैग सेटिंग। इसके बाद सब होता है वेव सेटिंग। वेव सेटिंग क्या है, लहर के अनुसार लहरदार सेटिंग होती है। इसमें क्या होता है, इस तरह के ब्लेडों में जो दांतों का जो सेटिंग होती है, चार से पांच दांते दाएं चार से पांच दांते बाएं चार से पांच दांते दाएं चार से पांच दांते बाएं, और यह जो होता है एक लहर के अनुसार सेट होते हैं, लहरदार होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं वेव सेटिंग। ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है पतले पतले पाइपों को शीशों को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेटिंग जो होता है इसीलिए दी जाती है, सेटिंग इसलिए दी जाती है ताकि जो है सेटिंग होने से उसमें आवश्यक क्लीयरेंस पैदा होता है मिलता है, जिससे क्या होता है ब्लेड पूरा गर्म नहीं होने पाता है। ठीक है, चिप्स आसानी से निकल जाते हैं और ब्लेड टूटता नहीं, बहुत सारे इसके रीजन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेक्साइन। हेक्साइन ऑपरेशन क्या है, हेक्साइन संक्रिया क्या है, हेक्साइन के द्वारा जो हम संक्रिया ऑपरेशन जो संपन्न करते हैं उसको कहते हैं हेक्साइन। तो हेक्साइन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हेक्सा को ले करके उसके ब्लेड होता है, ब्लेड को बांधते हैं, ब्लेड को बांधते समय उसके दांते आगे की तरफ होने चाहिए, आगे की तरफ मुड़े होने चाहिए, इस तरह से करके हम इसको बांधते हैं। पहला हेक्साइन करने से पहले हमको करना पड़ता है। दूसरा जो है जो स्ट्रोक है पर मिनट जो है 40 से 50 स्ट्रोक होने चाहिए। स्ट्रोक, एक स्ट्रोक कितना होता है, आगे और पीछे मिला करके एक स्ट्रोक करते हैं, तो 30 से 40 स्ट्रोक पर मिनट होने चाहिए। ठीक है, इस ब्लेड को फ्रेम में बांधते समय यह हमें जांचना चाहिए कि यह जो ब्लेड है वो बढ़िया से बंधा हो, बहुत ज्यादा टाइट भी ना बना हो, बहुत ज्यादा ढीला भी ना हो। ढीला होगा तो हमारा हेक्साइन प्रॉपर नहीं होगा, कटिंग हमारा शिफ्ट हो जाएगा, दाएं बाएं शिफ्ट होगा, स्ट्रेट कटिंग नहीं हो पाएगी, हेक्साइन नहीं हो पाएगी, और ज्यादा टाइट करेंगे तो भी ब्लेड को टूटने का खतरा बना रहता है। इसको क्या करते हैं, बांध करके और ऐसे जो है ब्लेड के ऊपर जो है ऐसे करके थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि इसमें ज्यादा टाइट है या ढीला है। ठीक है, उसके बाद से क्या करते हैं कि इसको जब हम, दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, फॉरवर्ड स्ट्रोक एक बैकवर्ड स्ट्रोक, तो जब भी दबाव देना होता है हमको फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगाना चाहिए प्रेशर, और बैकवर्ड स्ट्रोक में प्रेशर को रिलीज कर देना चाहिए, यानी कम कर देना चाहिए। जब हम एक्साइन कर रहे होते हैं तो जब कट जो है समाप्त होने की स्थिति में है, उस स्थिति में प्रेशर और स्ट्रोक दोनों को कम कर देना चाहिए, यह बात का ध्यान रखना चाहिए। और एक्साइन करते समय उचित कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए, धातुओं के अनुसार उचित कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक्साइन करते समय जो जॉब होता है उसको वाइस के अंदर, बेंच वाइस के अंदर मजबूती के साथ बधा होना चाहिए। यदि मजबूती के साथ नहीं बधा होगा तो एक्साइन हमारा प्रॉपरली नहीं हो सकता है, एक्साइन ग्रोथ हो जाएगा, ब्लेड टूट सकता है। ठीक है, और एक बात और भी है कि जो हेक्सा ब्लेड का जो चयन होता है वह हमें धातुओं के हार्डनेस और सॉफ्टनेस के अनुसार धातु ब्लेड का चयन करना चाहिए। ठीक है, धातु अगर सख्त है हार्ड है तो
हम को फाइन और वेरी फाइन ग्रेड कंडेड का प्रयोग करना चाहिए। यदि मटेरियल मेटल सॉफ्ट है तो कोर्स ग्रेड के बेड का प्रयोग करना चाहिए। यदि मटेरियल मीडियम है यानी मीडियम यानी माइल्ड रिचे कास्ट आइटम, इसको काटने के लिए हमें मीडियम ग्रेड के ब्रेड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग कटिंग टूल्स के अंतर्गत हैक्सा के बारे में पढ़ा। कल हम लोग कटिंग टूल्स के अंतर्गत ही ड्रिल के बारे में पढ़ेंगे। ओके okay?